वेलकम टू मैं हूं कृष्णा कैसे हैं आप सब लोग मस्त बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते फार्मासिस्ट की, की, की कुछ बातें करेंगे ठीक है उसके रोल के बारे में उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में उसके जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में उसके वर्कलोड के बारे में उसके इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में ठीक है तमाम बातें होने वाली हैं एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट देख लो कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई है इसके साथ ठीक है ना तो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन वाला पार्ट इजी है तुम तो लोगों को आता होगा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पता होगा जॉब स्पेसिफिकेशन यहां थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज रहता है फटाफट स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या है ये ठीक है तो देखो जरा यहां पर क्या बोल रहा है रोल ऑफ फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो कह रहा है द बेसिक रोल बाय विच फार्मासिस्ट वर्क इन हॉस्पिटल कैन बी डिफरेंट जो एक बेसिक रोल है ठीक है जो कि एक फार्मासिस्ट करता है हॉस्पिटल के अंदर वो अलग हो सकता है अलग अलग हॉस्पिटल में है ना डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल डिपेंड करेगा कि हॉस्पिटल का साइज कैसा है आठ दस बेड का है पचास बेड का है कैसा है हॉस्पिटल का साइज एंड द नंबर ऑफ पेशेंट कमिंग इन और इन नीड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज या तो कितने पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल में या कितने पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल की फार्मेसी सर्विस लेने के लिए यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है उसकी सर्विस लेने के लिए कितने लोग आ रहे हैं इन सब चीजों पे डिपेंड करता है एक फार्मासिस्ट का रोल ठीक है ना देयर कैन बी अ सिंगल मेन फार्मेसी ऐसा हो सकता है कि पूरे हॉस्पिटल में केवल एक ही, ही फार्मेसी हो और या फिर ऐसा हो सकता है एज मैनी एज मल्टीपल फार्मेसी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं है ना कई सारी फार्मेसी हो सकती है हो सकती है एक मेन फार्मेसी फिर हर डिपार्टमेंट में एक अलग अलग फार्मेसी ठीक है अराउंड इन एवरी डिपार्टमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर नीड एंड यूटिलिटी ऑफ मेडिसिन क्या नीड है और क्या मेडिसिन का यूज होने वाला है उसके हिसाब से एक मेन फार्मेसी और उसकी कई सारी सेटेलाइट फार्मेसी हो सकती है टिपिकली अ लार्ज टिपिकलीसरी केयर हेल्थ हम लोग यहाँ बात करेंगे केयर हेल्थ फैसिलिटी यानी कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है है ठीक उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है ऑनकोलॉजी गाइनकोलॉजी पेडियोलॉजी है ना सारे डिपार्टमेंट है विल हैव सेवरल फार्मेसी स्टेशन अब वहां पे कई सारे फार्मेसी स्टेशन होने वाले हैं एक मेन फार्मेसी होगी जो सबको कंट्रोल करेगी वेयर फार्मासिस्ट मस्ट बी एम्प्लॉयड और हर फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट हमको चाहिए होगा ठीक है तो अब बात करें डिफरेंट रोल ऑफ है वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ ले लिए हैं कि आपको ये सारे काम करने हैं उसको इंप्लीमेंट करना उसको लागू करवाना डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग ड्रग का बांटने वाला काम तो है ही ड्रग की डिस्पेंसिंग करेगा फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो हमारे केमिकल्स हैं और फार्मास्यूटिकल मतलब जो सारी चीजें जो पेशेंट के लिए हेल्प में आती हैं फिल्यड है नार्कोटिक्स है नार्कोटिक सारी चीजें आती हैं मेंटेनेंस ऑफ अप्रूव्ड स्टॉक ऑफ इमरजेंसी ड्रग एंड एंटीडोट मेंटेनेंस जो ड्रग अप्रूव्ड हुआ है कि ये सारे एंटीडोट यहाँ पे होने चाहिए ये सारे इमरजेंसी ड्रग्स यहाँ पर होने चाहिए ठीक है उनको मेंटेन करके रखेंगे डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड अकाउंटिंग नारकोटिक ड्रग की डिस्पेंसिंग उनको देना और उसकी अकाउंटिंग मतलब उसकी पूरी जिम्मेदारी रखना कितना दिया पेशेंट के हिसाब से दिया है तो देने की कोई फालतू लेके जा रहा है स्पेसिफिकेशन ऑफ वेरियस फिलुड फिलूड्स का स्पेसिफिकेशन है ना कौन सा आईवी है कैसा क्या फिलूड है उसका क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा उसको स्पेसिफाई करना इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन ऑफ ड्रग एट वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज जहां जहां पूरे हॉस्पिटल में ड्रग यूज हो रहा है उसको इंस्पेक्ट करना चेक करना इन्वेंट्री कंट्रोल है ना इन्वेंट्री मतलब पता ही है जो भंडारण होता है जो दवाइयों का भंडारण होगा उसको कंट्रोल करना मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स लेजर एंड रिकॉर्ड स्टोर का मेंटेनेंस दवाइयों का लेजर कितनी दवाइयां आ रही जा रही है उसकी जो बुक रिकॉर्डिंग होती है उसमें और रिकॉर्ड है ना लेजर में अकाउंटिंग हो जाती है और रिकॉर्ड उसको क्या करता है मेंटेन रखता है प्रोविजन ऑफ अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रावधान रखेगा कि अगर सप्लाई चली गई है फार्मेसी के अंदर तो उसकी अल्टरनेट सप्लाई होनी चाहिए इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल लगातार चेकिंग करेगा और क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करके रखेगा टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट जो नए फार्मासिस्ट आते हैं उनको टीच और ट्रेन करेगा पीरियोडिक यूटिलाइजेशन रिपोर्ट ऑफ फार्मेसी फार्मेसी की एक यूटिलाइजेशन रिपोर्ट बनाएगा एक महीने की पांच महीने की छह महीने की जैसे भी होगी वो रिपोर्ट लगातार बनाकर उसे चेक करता रहेगा सबमिट करता रहेगा कि ये फार्मेसी चल रही है ये सारी चीजें हो रही है उसके अंदर पेशेंट एजुकेशन ठीक है ये पॉइंट है और भी कई सारे पॉइंट हो सकते हैं मेन मेन पॉइंट ये क्या है दिमाग में रहेंगे भूलोगे नहीं इसमें चाहो तो एक चाहते ला, अपना लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो लिख सकते हो अदरवाइज ये पॉइंट लिख दोगे एक या दो तो नंबर में सॉरी दो या तीन नंबर में आएगा तो तेरा पॉइंट सफिशियंट है क्लियर है अब मेजर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो वो हो गया रोल क्या काम ये होने ही होने काम ये काम है ये काम करने है उसको अब जिम्मेदारियां क्या है काम के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां होती है ना हमें क्या करना है जैसे कि एक छोटी सी बात बताऊं मैं घर में आप लोगों की मदर होती हैं रोटी बनाना उनका काम है लेकिन रोटी को हॉट केस में प्रॉपर रख देना ताकि रोटी गर्म रहे ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई घर में बच्चे आएंगे या कोई और लोग जब रोटी खाएं तो उनको गर्म मिले है ना तो खाना बना दिया काम हो गया अब खाने को फ्रिज में रख देना एक जिम्मेदारी होगी जिससे खराब ना हो खाना सुबह का बना हुआ एक्स्ट्रा है तो शाम तक चल जाए तो रोल और जिम्मेदारी ये थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा गैप है ये बहुत ही माइन्यूट सा गैप है है ना एक छोटी सी अंतर है बस तो देखते हैं तो क्या कर रहा है चेक प्रिस्क्रिप्शन एंड इंश्योर देयर सेफ्टी फॉर इंडिविजुअल पेशेंट जो भी प्रिस्क्रिप्शन आएगा डॉक्टर की तरफ से उसको चेक करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वो सेफ है उस इंडिविजुअल पेशेंट के लिए पार्टिसिपेट इन वार्ड राउंड है ना जो जहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं काउंसिलेगा है, समझाएगा जिसकी जिम्मेदारी है कि अगर नहीं पता कोई ड्रग अलग तरीके की है तो उनको समझाएगी कैसे यह ड्रग दी जाएगी एडवाइस एंड काउंसल अदर मेडिकल स्टाफ एडवाइस देगा और काउंसल करेगा अदर मेडिकल काउंसिल मतलब होता है एक तरह से नॉलेज uh, का आदान प्रदान है ना अपनी तरफ से नॉलेज को देगा उसको समझाएगा फॉर एंड ड्रग डिलीवरी है ना डॉक्टर ने मान लो लिख दिया परसेटुमॉल. तो अब पैरासिटामॉल की टैबलेट देनी है कि इंजेक्शन लगाना है ठीक है ना कौन सी डोज दी जाएगी ठीक है कौन सा सिस्टम चलेगा drug. Drug की अप टू डेट नॉलेज रखेगा लेटेस्ट क्या चल रहा है एंड देयर सेफ्टी और उसकी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखेगा

जो उसकी देख रेख कर रहा है उसके साथ डिस्कस करे भाई देखो ये सब चीजें हैं इतने महीने ये दवाइयाँ चलेंगी ऐसा खर्चा हो सकता वगरा वगरा है वगैरह वगैरह सारी बातें अदर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंक्लूड इंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ध्यान रखेगा कि पेशेंट को कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिले मतलब कि सस्ती और अच्छी दवा मिले सेटअप क्लिनिकल ट्रायल थेरेपीज क्लिनिकल थेरेपीज जो क्लिनिकल थेरेपी उनका सेटअप को देखेगा सुपरवाइजिंग क्लिनिकल ट्रायल उनको सुपरवाइज करेगा ये जब जिम्मेदारियों में आ जाता है ना जो हमारी जिम्मेदारी है यानी कि वही हमारी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे कि है ना मैं कहता हूँ कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक जिम्मेदारी है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो हमें उनका ध्यान रखना है खाना पीना तो हम दे ही रहे हैं वो अलग बात होगी लेकिन उनको इमोशन सपोर्ट दुखी ना हो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना होता है ना ये सब क्या आती है जिम्मेदारी में चीजें आती हैं क्लियर हो गया रोल और जिम्मेदारी में थोड़ा सा अंतर है तो यहां पर कई बार बच्चा क्या करेगा चीजों को मिक्सअप भी कर देगा चल जाएगा एग्जाम में बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन दोनों को नहीं होने देना है 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 बात समझ में आ रही है? आगे आते हैं ठीक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अब ये वाला पार्ट तो मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम लोगों को पता होगा तो देख लें फटाफट क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए देखो बी डी फार्म क्वालिफिकेशन चाहिए चाहिए वो सब में लिख सकते हो देखो फार्मासिस्ट भी अलग अलग होते हैं डिस्कस कर चुके हैं एक होता है चीफ फार्मासिस्ट सबसे हेड पे बैठा होगा या उसको हम डायरेक्टर भी, भी कह सकते हैं शुड है मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट उसको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा कम से कम उसको बी फार्म, डी फार्म से काम नहीं चलेगा इन फार्मेसी और प्रीफरेबली खास करके फार्माकोलॉजी में या हॉस्पिटल फार्मेसी में उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो जो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होता है शुड हैव इन फार्मेसी, यानी कम कम से बी फार्मा होना चाहिए, विद मिनिमम 18 मंथ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कहीं ना कहीं जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है यानी कि फैक्ट्री वगैरह होती है वहां पे 18 महीने उसने काम किया हो जो एनालिटिकल केमिस्ट होता है शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अब जो एनालिटिकल है यानी कि एनालाइज करने का काम करेगा तो भाई जाहिर सी बात है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही उसे पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा या एनालिटिकल केमिस्ट्री में अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है बी फार्मा में कोर्स आता है ठीक है अभी हम लोग उसको क्या है फिलहाल समझे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उसको क्या करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा देन उसके बाद आता है सबसे लो लेवल पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट कम क्लर्क जो क्लर्क लेवल का काम रहता है या सबसे लो लेवल पे जो फार्मेटी का काम रहता है वहां पर हम लोग केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड शुड बी रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनको हम लोग लास्ट लेवल पे ठीक है जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का यूज कर सकते हैं या जो क्लर्क लेवल का काम है क्योंकि क्लर्क लेवल इंसान को भी दवाइयों का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि दवाइयों के बारे में पता नहीं होगा तो उसको कैसे तो ऐसा नहीं है ना कि छाप देना करके केवल ठीक है और साथ साथ में स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या हो रजिस्टर्ड हो ऐसा नहीं कि डिग्री ले ली आपने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं आप चलेगा काम करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है अब ये तो हो गया हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिफिकेशन उसके बाद हमारे पास मैंने बताया था एक हेडिंग आती है जॉब स्पेसिफिकेशन बच्चा कंफ्यूज है दो चीजों में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों में थोड़ा सा अंतर है फिर से ठीक है जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे अभी थोड़ा सा अंतर था रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में वैसे ही जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है तो आप समझते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन नौकरी का विवरण नौकरी क्या है है ना किस टाइप की नौकरी है यहां पर सारी बातें नौकरी की होने वाली काम की तो जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड बेसिक जॉब रिलेटेड डाटा जॉब से संबंधित सारा डाटा होता है जब नौकरी वैकेंसी निकलती है तो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि न, ये सब चीजें काम करने पड़ेंगे भाई आके देख लो ये सारे काम करने पड़ेंगे देख लो दैट इज यूजफुल टू एडवर्टाइज द स्पेसिफिक जॉब ये हेल्पफुल रहता है किसी जॉब को एडवर्टाइज करने के लिए एंड अट्रैक्ट पूल ऑफ टैलेंट पूल मतलब बहुत सारे लोगों का अब आदमी देखता है अच्छा ये सब जॉब करनी है यार, इसके लिए तो मैं ठीक हूँ मैं तो कर सकता हूं तो जाएगा मैं ये काम कर सकता हूं ठीक है इट इंक्लूड सच सचेस्ट जॉब टाइटल इसमें क्या करेगा जॉब का टाइटल जॉब लोकेशन कहां पर है रिपोर्टिंग टू एंड ऑफ एम्प्लॉय किसको किसको रिपोर्ट करना है जॉब समरी जॉब क्या करना है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ जॉब टास्क एंड ड्यूटी क्या क्या काम होंगे वर्किंग कंडीशन क्या रहेंगी मशीन और टूल्स कौन से इस्तेमाल होने वाले हैं इक्विपमेंट कौन से इस्तेमाल होंगे प्रोस्पेक्टिव वर्कर एंड हजार्स इन्वॉल्व इन इट ठीक है ना वर्कर के कौन कौन से हजार से क्या नुकसान हो सकते हैं वहां पे काम करते हैं वो सारी चीजें है। अच्छा इसका पर्पस क्या होता है क्यों जॉब डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है हमको द मेन पर्पस ऑफ जॉब 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 डिस्क्रिप्शन इज टू टू कलेक्ट रिलेटेड रिलेटेड डाटा डाटा इन ऑर्डर एडवर्टाइज फॉर अ पर्टिकुलर सारा होगा तभी तो मेरे को समझ में आएगा अच्छा यार ये सारी जॉब ये तो मैं कर सकता हूँ मान लो जॉब निकल के आई किसकी एक सपोज किसी ड्राइवर की जॉब निकल के आ रही है तो ड्राइवर की जॉब के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है ना तो क्या चाहिए उसे केवल लाइसेंस चाहिए और उसको एक्सपीरियंस आना चाहिए तो चला जाएगा वहां पर इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग टारगेटिंग रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट ये हेल्प करता है कि हाँ बस उन्हीं लोग वही लोग आए जो जॉब को देख ले हाँ काम वो कर सकते हैं ठीक है इट इज डन टू डिटरमाइन वट नीड टू बी डिलीवर्ड पर्टिकुलर जॉब क्या चीज डिलीवर की जाएगी दी जाएगी इट क्लैरिफाइज वट इम्प्लॉयज आर सपोज टू डू ये क्लियर करता है एक एम्प्लॉय को क्या काम करना है इफ सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब अगर वो उस खास जॉब के लिए उस खास पर्टिकुलर जॉब के लिए सिलेक्ट होता है या उसको जॉब ओपनिंग बोल देते हैं तो उसे क्या काम करना रहेगा इट गिव्स रिक्रूटिंग स्टाफ अ क्लियर व्यू जो स्टाफ रिक्रूट किया जाएगा भर्ती किया जाएगा उसे क्लियर व्यू देता है वट काइंड ऑफ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किस तरह का कैंडिडेट चाहिए ठीक है तो डिपार्टमेंट को पता चलता है अच्छा इस टाइप कैंडिडेट चाहिए तो वो अपने जानने वाले में होता तो बता सकता है और डिवीजन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और जॉब इट आल्सो क्लैरिफाइ हु विल रिपोर्ट टू हूम ये अपने कोर्स में नहीं है फिर बता दूं मैं लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन को समझना पड़ेगा ठीक है कि आखिर ये चीज क्या उसका पर्पज क्या होता है अब जब जॉब डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया नौकरी की सारी बातें नौकरी में क्या क्या करना पड़ेगा क्या क्या काम है अब जब जॉब डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा तब उसके बाद समझ में आएगा जॉब स्पेसिफिकेशन नौकरी विशिष्टता यहां पर जॉब निकली किसकी सपोज फार्मासिस्ट की ये सारे काम करने पड़ेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया अब उसके लिए कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट अब बात होगी कैंडिडेट की जॉब डिस्क्रिप्शन में बात होती है कैंडिडेट की यानी कि इंसान के बारे में इंसान के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए और जॉब डिस्क्रिप्शन में किसकी बात हो रही है नौकरी के बारे में नौकरी का विवरण है ये है ना जॉब के बारे में यहां जॉब के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा एक इंसान के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उस जॉब को करने के लिए दोनों बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत छोटा सा अंतर है अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा तो क्या कह रहा है आल्सो नोन एज स्पेसिफिकेशन इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं इंप्लॉयज स्पेसिफिकेशन एक उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए जैसे मैं मान लो कि जॉब करने जा रहा हूँ हॉस्पिटल में तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मैं एक फार्मासिस्ट हूं रजिस्टर्ड और मेरे को वहां पर क्या होना चाहिए फार्मा उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए ठीक है ना अपने स्टेट काउंसिल में फार्मेसी काउंसिल में क्या होना चाहिए रजिस्टर्ड होना चाहिए अपना ठीक है तो की स्पेसिफिकेशन में क्या हो जाएगा अ जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ रिटर्न स्टेटमेंट एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए स्पेसिफिक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए किस लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए एक इंसान के पास होना चाहिए फिजिकल इमोशनल एंड टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए इंसान के पास इंग्लिश आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए ठीक है रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब रिस्पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व इन अ जॉब एंड अदर अनयूजल डिमांड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्स्ट्रा चाहिए हमें जॉब का, का काम तो हो गया ये सब जिम्मेदारी चाहिए ठीक है ना इट ऑल्सो इंक्लूड जनरल हेल्थ इसमें हेल्थ मेंटल हेल्थ इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड मेमोरी जजमेंट लीडरशिप स्किल्स इमोशनल एबिलिटी एडेप्टिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी वैल्यूज़ एथिक्स मैनर्स एंड क्रिएटिविटी ये सब चीज़ें भी चाहिए होती हैं अब आदमी तुम लोग कहोगे ये कैसे पता चलेगा इंटरव्यू और यही तो काम करते हैं जब वो इंटरव्यू लेते हैं दस वैकेंसी सौ लोग आए देने के लिए तो वो ये सब चीज़ें भी चेक कर लेते हैं क्या उसके पास मेमोरी शार्प है उसकी मेमोरी मेंटल हेल्थ सही है गुस्सा तो नहीं कर रहा जल्दी क्या लीडरशिप स्किल है उसके अंदर ये इंटरव्यू चेक कर लेते हैं इंटरव्यू देते देते ठीक है ना आपकी ये तो देख ही लेते हैं कागजी चीज है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है बट ये सारी चीजें चेक कर लेते तो हैं उनको आता है चेक करना तो इसका पर्पस क्या हो गया डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन कैंडिडेट एनालिसिस एनालाइज वेदर आर एलिजिबल टू अप्लाई यहाँ पे कैंडिडेट खुद को जब जॉब स्पेसिफिकेशन मिल जाती है अच्छा काम क्या करना है जैसे सपोज एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं काम क्या करना है काम क्या करना है, क्या करना है? कि दवाइयों की सप्लाई करनी है अब एक पढ़ा लिखा इंसान को कहकर मैं पढ़ लूंगा अच्छा ये दवाई देनी मैं दे दूंगा पढ़ के आसान काम है पढ़ा लिखा इंसान दवाइयां दे सकता है बट वो देते वक्त ये नहीं देख पाएगा कि इसकी रिएक्ट तो नहीं करेगा कहीं गलत तो नहीं है कहीं गलती से डॉक्टर ने है ना लिखा पैरासीटामोल देनी थी टेबलेट दे दिया सिरप है ना इस तरह से वो समझ ही नहीं पाएगा चीज़ों को काम तो कर देगा वो उसको लेकिन वो समझ नहीं पाएगा उसके लिए क्या होना चाहिए उसके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी तो सेम चीज़ है कैंडिडेट को एनालाइज करने में हेल्प होती है मान लो फार्मेसी की जॉब निकली है तो मैं तो भाई एक दूसरा मान लो बंदा डॉक्टर है या एक आई है ना जो मैथ साइड से बंदा है वो तो जा नहीं पाएगा ना उसमें भले उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है कुछ और ज्यादा हाई लेवल की है वो कर ही नहीं पाएगा का उस काम को तो कैंडिडेट एनालाइज कैंडिडेटर एलिजिबल टू अपलाई फॉर पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी और नोट कैंडिडेट को पता चलता है कि अच्छा ये क्वालिफिकेशन है ना मैं यहां अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं काम तो बात की बात रहेगी जॉब डिस्क्रिप्शन अलग चीज होगी बात समझ में आ गई क्लियर हुआ जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन रही है भर्ती करेगी ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन अंडरस्टैंड वट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन ये टीम को समझ आ, समझने में आसानी है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए क्या सेट ऑफ शुड बी प्रेजेंट इन कैंडिडेट एक कैंडिडेट में किस टाइप के करेक्टर्स होने चाहिए फॉर द जॉब ओपनिंग जो उसको जॉब ओपनिंग के लिए यानी कि जॉब के लिए फिट मानेंगे और उस क्राइटेरिया में उसको सेट माना जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन गिवस डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी जॉब इंक्लूडिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब स्पेसिफिकेशन में सारी डिटेल रहेगी जॉब इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी जॉब ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजायर टेक्निकल एंड फिजिकल स्किल्स क्या क्या स्किल्स -क्या -क्या चाहिए होते है? Conversational ability and much more. है हैं कॉन्वर्सेशन अबिलिटी एंड मच मोर है सारी बातें उसके अंदर लिखी रहती है इट हेल्प इन सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब चार लोग आए सेम क्वालिफिकेशन लेकर के बी फार्मा बी फार्मा बी फार्मा या डी फार्मा डी फार्मा डी फार्मा अब जब उनसे रिक्रूटर जो होते हैं जब बात करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारे को और भी कुछ डिमांड होनी चाहिए ये सब लीडरशिप क्वालिटी वगैरह किसके अंदर सबसे ज्यादा है ठीक है तो अगर जॉब स्पेसिफिकेशन की बात आती है तो भले ये पर्पस मत लिखना इतनी बात लिख करके उसके बाद क्या लिख दोगे मैंने लिखा है राइट अबाउट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व इन अ जॉब वेन आस्ट जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की वो जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करेगा तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी बातें हम उसमें लिख देंगे हमारा आंसर माना जाएगा वो इसको लिखने से पहले तुम उसको स्पेसिफाई करोगे भैया हां यही सब चीजें आती हैं इसके अंदर कन्विंस करोगे लिख करके ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर होगी बातें तो जॉब स्पेसिफिकेशन ये रहा अपने पास और उसके बाद आ ले लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन तो जॉब डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं काम है तो इसको हम लोग जो हमने ऊपर पार्ट पढ़ा रोल वाला पार्ट वो भी आ सकता है यहां पर है ना जो फॉर्मेस्ट रोल था क्या क्या रोल है इंश्योरिंग मेडिसिनल प्रोडक्ट आर स्टोर्ड अप्रोप्रिएटली जो स्टोरेज है वो प्रॉपर है सिक्योरली टू इंश्योर फ्रेशनेस एंड पोटेंसी की जिससे कि ड्रग फ्रेश रहे पोटेंशियल उसकी पोटेंसी भी खराब ना हो इंश्योर करेगा सुनिश्चित करेगा मेडिकेशन रीचेज द पेशेंट इन द करेक्ट फॉर्म ऑन डोज इंश्योर करेगा सुनिश्चित करेगा कि पेशेंट के पास करेक्ट फॉर्म ऑफ डोज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है जिसमें इंक्लूड टैबलेट कैप्सूल ऑइंटमेंट इंजेक्शन इनहेलर एंड क्रीम्स कुछ भी रूप में हो सकता है बींग रिस्पॉसिबल फॉर द एक्ूरेट डिस्पेंसिंग जिम्मेदारी होगी उसकी सही डिस्पेंसिंग के लिए एंड टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन दवा का डिस्ट्रीब्यून सही टाइम पर हो एंड मेडिसिन फॉर इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट दोनों पेशेंट्स के लिए इन पेशेंट हो चाहे आउट पेशेंट हो उसके पास एक्यूरेट और सही दवा टाइम से पहुंचनी चाहिए सुपरवाइजिंग एंड चेकिंग द वर्क ऑफ लेस एक्सपीरियंस एंड लेस क्वालिफाइड स्टाफ जो नया नया स्टाफ आया जिससे एक्सपीरियंस कम है उसके काम को लगातार चेक करना रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेडिकेशन रिलेटेड क्वेरीज फॉर फ्रॉम विद इन द हॉस्पिटल एंड अदर हॉस्पिटल एंड जनरल पब्लिक मेडिकेशन रिलेटेड कोई क्वेरी आ गई है अगर चाहे वो हॉस्पिटल से आई हो चाहे दूसरे हॉस्पिटल से आई हो चाहे एक जनरल पब्लिक से आ गई हो, हो, हो कोई समस्या आ गई है दवाइयों को लेकर तो उसका समाधान करेगा इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर के क्या करेगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनका साथ देगा कंट्रीब्यूट करेगा और साथ साथ में मेडिकल स्टाफ और कलेज का भी हेल्प ले सकता है तो जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ और नहीं है वही मैंने कहा वहां बारह तेरह पॉइंट थे वही पॉइंट है हम लिख सकते हो राइटिंग गाइडलाइन फॉर ड्रग्स यूज ड्रग यूज कैसे किया जाएगा उसका गाइडलाइन विद इन द हॉस्पिटल प्रिपेयरिंग बुलेटिन एंड इंप्लीमेंटेशन हॉस्पिटल रेगुलेशन इंप्लीमेंटिंग ठीक है ना बुलेटिन तैयार करेगा कैसे कैसे यूज करनी है सारी चीजों को प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इंडिविजुअल वार्ड ऑन बजट एंड एक्सपेंडिचर ऑन ड्रग किसी इंडिविजुअल को क्या करेगा जो आया है पेशेंट उसको कितना खर्चा आएगा क्या चीजें लगने वाली कौन सी दवाई इस्तेमाल होने वाली है उसके बारे में बता सकता है सेटिंग अप क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिक ट्रायल करवाएगा करवाएगाटिंग न्यू मेडिकेशन अगेंस्ट क्लेम मेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड रिकमेंडिंग न्यू मेडिसिन सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंडिविजुअल पेशेंट नीड ठीक है ना इवुलेट करेगा न्यू मेडिकेशन का अगेंस्ट क्लेम कोई नई फार्मास्यूटिकल कंपनी आ गई वो कहती मेरी दवाई ज्यादा अच्छे पुराने वाली से उसको क्या करेगा ये इव्यट करेगा जांचेगा ठीक है ना एंड रिकमेंड न्यू मेडिसिन और अगर वो सही पाई जाती है उसकी नजरों में तो वो रिकमेंड करेगा उस हॉस्पिटल के फिजिसियन को कि देखो नई दवाई आई है इनको आप पेशेंट को दो बेटर है ठीक है पार्टिसिपेटिंग इन वार्ड राउंड वही मैंने बताया कि चक्कर लगाएगा हॉस्पिटल के देखेगा सारे पेशेंट ठीक है किसी कोई दिक्कत तो नहीं है टेकिंग पेशेंट ड्रग हिस्ट्री उनकी हिस्ट्री वगैरह चेक करेगा एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रीटमेंट का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करेगा दिस इस इंक्लूड इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है हाईलाइटिंग ड्रग्स पोटेंशियल साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट क्या क्या है उसको समझाना आइडेंटिफाइंग हार्मफुल इंट्रेक्शन क्या हो सकते हैं उनको बताना विद अदर ड्रग्स एंड असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन एसेस करेगा जांचेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट सुइटेबल है उस पर्टिक पेशेंट के लिए जो कि उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से बेस्ट ठीक है ना जो उसकी हेल्थ कंडीशन है उसके लिए ट्रीटमेंट कौन सा है उसको चेक करेगा ठीक है लाइजिंग विजिंग मतलब ताल बैठा के रखेगा एक ताल्लुका रखेगा फिजिसियन नर्सेस एंड अदर फेलो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो और साथ में हेल्थ केयर प्रोफेशनल है टू इंश्योर जिससे कि सुनिश्चित हो सके डिलीवरी ऑफ सेफ इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक ड्रग ट्रीटमेंट सेफ इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक ड्रग ट्रीटमेंट एक मिल सके किसी पेशेंट को उसल क्या करेगा इन तीनों के साथ तालमेल बैठा कर रखेगा काउंसलिंग पेशेंट ऑन द इफेक्ट डोजेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से दवा ली जाएगी क्या इफेक्ट होगा उनकी काउंसलिंग करेगा ठीक है ना रिक्वायर कॉम्प्लेक्स ठीक है खासकर करके इनके साथ जिनके चलने वाली है कॉम्प्लेक्स ड्रग थेरेपी चलने वाली है जिन पेशेंट्स की उनको खास करके क्या करेगा ये काउंसलिंग करेगा मॉनिटरिंग एवरी स्टेज ऑफ मेडिकेशन थेरेपी टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिलीवरी एंड रिपोर्टिंग पेशेंट साइड इफेक्ट ठीक है ना हर एक स्टेज को क्या करेगा मॉनिटर करेगा जब थेरेपी चलती किसी पेशेंट की तो जब दवा दी गई क्या दवा कैसे दी गई कैसे ली उसने क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या इफेक्ट आ रहा है पूरा मॉनिटर करेगा कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद पेशेंट्स रिलेटिव जो उसके केयर टेकर है रिलेटिव उनसे क्या करेगा कम्युनिकेट करेगा कम्युनिटी फार्मासिस्ट जनरल प्रैक्टिस एक्सेट्रा और साथ साथ में कम्युनिटी फार्मासिस्ट भाई जहां सेवाइया ले रहे हैं या जनरल प्रैक्टिसनर्स हैं जो अपने पेशेंट वगैरह उनके साथ क्या करेगा कम्युनिकेट करते हैं प्रिपेयरिंग एंड क्वालिटी चेकिंग स्टेरायल मेडिकेशन स्टेरायल मतलब जिनके अंदर कोई किसी भी टाइप का कीटाणु ना हो अंडर स्पेशल कंडीशंस ठीक है इंट्रावीनस मेडिकेशन फॉर दोस्त मतलब ओवरऑल सीधी बात ये है यहाँ पे पंद्रह पॉइंट हो गए थोड़े से यहां पे लैंग्वेज टफ भी दिख रही होगी तुम लोगों की यहां बहुत सारी बातें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है जो जॉब डिस्क्रिप्शन है यहां पे तुम क्या कर सकते हो वैसे जॉब डिस्क्रिप्शन अपने कोर्स में नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो रोल में कवर हो गया ठीक है ना तो ये अगर पॉइंट तुम्हें टफ लगते हैं तो यहां पे इसको छोड़ सकते हो ये पॉइंट आसान लगते तो इनको कर लो ठीक है उसी में ऐड कर लो इसमें से कुछ दो चार पॉइंट जो लग रहा है वहां नहीं है उन तेरह पॉइंट्स में इनको ऐड कर सकते हो बात समझ में आ रही है डबल डबल कर दिया थोड़ा सा लैंग्वेज अलग अलग है जिससे कि तुमको लगेगी हाँ दोनों चीजों में अलग अलग सा है लेकिन चीजें अंदर पॉइंट जब देखोगे तो सेम ही है ठीक है तो जॉब डिस्क्रिप्शन रोल कहीं ना कहीं सेम ही चीज है आगे आते हैं वर्क लोड मीन वर्क लोड का क्या मतलब है वर्क लोड रिक्वायरमेंट हेडिंग है अपने पास तो अमाउंट ऑफ वर्क और वर्किंग टाइम एक्सपेक्टेड कितना टाइम काम करेगा और असाइन दिया गया है विद अ वर्कलोड बहुत ज्यादा वर्कलोड है पूरे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा काम है उसको कितने घंटे काम दिया गया है ठीक है द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म और उसने कितना काम किया और कैपेबल ऑफ बींग परफॉर्म इन अ टाइम पीरियड और वो कितना कैपेबल है उसने टाइम मान लो आठ घंटे की जॉब है तो उसमें कितना काम वो कर सकता है ठीक है क्या काम उसको दिया गया है वो क्या काम कर सकता है दोनों ही चीजें वर्कलोड के अंदर आती है अब चाहे ये हम किस कहीं पे भी ले लें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हॉस्पिटल में नहीं ठीक है तो वर्कलोड सब में एक ही डेफिनेशन में सेम रहेगा अब वर्कलोड को लेकर के हम खास बात कर लेते हैं किसको लेकर के अपने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को लेकर ले के बात कर लेते हैं तो कह रहा है फार्मासिस्ट वर्कलोड कैन बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग फॉसिस वर्कलोड को हम देख सकते हैं किस रूप में वर्क का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्क का क्या रूप है एंड ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको क्या प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभानी है इस रूप में हम उसके वर्कलोड को देख सकते हैं वर्क कैरेक्टर वर्क के गुण की बात करें हम तो वर्क के गुण क्या क्या होते हैं आवर्स वर्क पर भी कितने घंटे उसने एक हफ्ते में काम किया ये क्या आ जाएगा वर्क कारेक्टर आ जाएगा द प्रपोर्शन ऑफ टाइम आर रिस्पोंडेंट वर्क कितना टाइम एक रिस्पोंडेंट ने काम किया एज द ओनली फार्मासिस्ट इन और हर फार्मेसी डिपार्टमेंट मतलब ओनली फार्मासिस्ट ओनली मतलब अलोन बिल्कुल अकेला था कोई काम करने वाला नहीं था मान लो हफ्ते में दो तीन घंटे ऐसे बीते कोई नहीं होता अकेला पूरा संभालता है तो ऐसे टाइम कितना भी था द प्रोपोर्सन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस एट द साइट विद रिस्पॉन्डेंट वॉज इन्वॉल्व पर्सनली कितने प्रिस्क्रिप्शन उसने खुद से डिस्पेंस किए हैं पर्सनली द नंबर एंड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन फार्मिस्ट है टिपिकल डे कितने number type of interaction, कितने लोगों से मिल रहा है वो भाई देखो पेशेंट से तो मिल ही रहा है जो लोग दवाया ले रहे हैं उनसे मिल ही रहा है उसके अलावा बहुत से लोगों से उसको क्या है मिलना पड़ता है डॉक्टर हो सकते हैं नर्सिंग स्टाफ हो सकते हैं पर डे में एक टिपिकल डे में कितने लोगों के साथ उसको इंट्रेक्शन करना पड़ रहा है ये सारी चीजें उसके किस में आ गई है वर्कलोड में आ गई है एक तरह से वर्कलोड क्या है काम है ठीक है ना वर्कलोड क्या हो गया काम हो गया अब क्या कह रहा है टिपिकल डे ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज अब अगेन जो वर्कलोड है कहीं ना कहीं उसके रोल की ही बात करने वाला है ठीक है कहीं ना कहीं उसके रोल की ही बात करेगा वर्कलोड भी तो एक पूरे दिन में क्या वर्कलोड रहता है उसके पास मैनेजिंग फार्मेसी फार्मेसी को मैनेज करता है ठीक है फार्मेसी रिलेटेड सर्विस एंड लॉजिस्टिक ट्वेंटी फोर इंटू सेवन ठीक है अब वो जाहिर सी बात है चौबीस घंटे काम तो नहीं करता लेकिन इस तरह से अरेंजमेंट करता है कि ट्वेंटी फोर इंटू सेवन फार्मेसी रिलेटेड सर्विस हॉस्पिटल में अवेलेबल रहे वो नहीं रहेगा तो गैर मौजूदगी में जो इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं दूसरा जो बंदा आएगा ठीक है काम करने वाला उसको फॉलो करेगा प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन एंड इंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी ठीक है जो प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन है जो प्रिस्क्राइब की गई है और इंश्योर करेगा सुनिश्चित करेगा सेफ्टी एंड एफिकेसी इफेक्टिव है और सेफ है प्रिपेयरिंग ऑल द मेडिकेशन एंड कन्वर्टिंग फॉर्म टू द एप्लीकेबल सिचुएशन प्रिपेयर ऑल द मेडिकेशन को प्रिपेयर करेगा कन्वर्ट करेगा डोजेस फॉर्म्स को टू द एप्लीकेबल सिचुएशन जो सिचुएशन में एप्लीकेबल हो रही होंगी कि लिक्विड फॉर्म में देनी है कि टैबलेट फॉर्म में देनी होगी वो उसको देगा तो कहीं ना कहीं वर्कलोड में भी अगेन क्या आ जाता है हमारे पास रोल आ जाता है उसका

इडिंग एडोकुट एडोक्ट मतलब पर्याप्त ऑन मेडिकेशन स्टैटिस्टिकेशन मेडिकेशन को कंज्यूम करने के लिए एक जो स्टैटिस्टिक होती है उसको प्रोवाइड करवाएगा मैनेजिंग मेडिकेशन स्टोर्स एंड प्लानिंग फॉर मेडिकेशन बजट तो अल्टीमेटली देख रहे हैं बजट को प्लान करेगा मेडिकेशन स्टोर को मैनेज करेगा प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस देगा कंडक्टिंग फार्मेसी रिलेटेड ट्रेनिंग फॉर अंडर एंड पोस्ट ग्रेजुएट सुपरवाइजिंग फार्मेसी रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटी अब देखो तो दवाइयाँ देने के अलावा ट्रेनिंग दे रहा है रिसर्च में काम कर रहा है तमाम चीजें हैं ये सारे उसके वर्कलोड में आ गए पर के काम में जितना देर वो काम कर रहा है उसमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या हो गई है इंक्लूड हो गई हैं तो ये उसका एक पर्टिकुलर वर्कलोड है तो हम लोग कह सकते हैं तो उसका जो वर्कलोड है वो कुछ और नहीं है उसका रोल ही है क्या है रोल ही है अब बात करें द हॉस्पिटल फार्मेसी इंटीग्रेटेड विद इन विद द डिस्पेंसिंग सेक्शन वो किसकी जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है जुड़ी हुई है डिस्पेंसिंग दवाई देना मैन्युफैक्चरिंग करना क्वालिटी को चेक करना एंड क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस है ना जहां पे पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल फॉर इन पेशेंट फार्मेसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय द डिपार्टमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल किस जो लोग की रिक्वायरमेंट है फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है फॉर एन इन पेशेंट फार्मेसी इन पेशेंट मतलब जो पेशेंट अंदर एडमिट होंगे ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की सर्विस वो प्रोवाइड करवा रहा है डिपार्टमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल इज बेस्ड ऑन वर्कलोड कितने फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल में होंगे वो डिपेंड करेगा वर्कलोड पे एंड नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल और कितने नंबर ऑफ बेड्स है किसी हॉस्पिटल में जनरली स्मॉल हॉस्पिटल रिक्वायर है मिनिमम ऑफ थ्री फार्मासिस्ट एक छोटा सा हॉस्पिटल होगा तो कम से कम तीन चाहिए होते हैं पचास बेड का अगर होगा बट दिस वेरी विद नंबर ऑफ बेड्स इन ईच हॉस्पिटल बट ये जो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट कितने चाहिए हैं, ये फार्मी करेगा वेरी मतलब बदलता रहेगा किसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ बेड्स या पेशेंट एडमिट होते हैं किसी हॉस्पिटल में द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द बेड इन हॉस्पिटल लिस्टेड इन टेबल पचास बेड का होगा तो, हो तो तीन सौ तो का होगा तो पांच चाहिए कम से कम दो सौ बेड का होगा तो आठ चाहिए तीन सौ तो बेड का होगा दस चाहिए और पांच सौ के ऊपर होगा तो या पांच सौ लगभग तो कम से कम हमें पंद्रह चाहिए होंगे ठीक है तो वर्कलोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट चाहिए यह उसकी डिटेल हो गई है यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे पास तो वर्कलोड में कुछ और नहीं था उसका रोल ही था वर्कलोड को हमें डिफाइन करना था क्या वर्कलोड होता है क्या काम करना होता है ठीक है यह सारी बातें हमको वर्कलोड के अंदर करनी थी इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक फार्मासिस्ट को अपने प्रोफेशन के अलावा जब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है दूसरे वाले प्रोफेशन वाले लोग जैसे कि कौन कौन है जैसे कि डॉक्टर हैं ठीक है ना नर्सेस हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं ठीक है, है थीके? जो क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हैं इस तरह से बहुत से अदर स्टाफ हैं जो कि क्या है वहां पे काम कर रहे हैं उनके साथ उसको तालमेल बना के रखना होता है ठीक है उससे बेनिफिट क्या होता है जब फार्मासिस्ट तालमेल बना के रखता है तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है पेशेंट को और ये आप बात बहुत, बहुत अच्छे से जानते हो पूरी फार्मेसी पेशेंट सेंटर्ड है पूरी फार्मेसी पूरा जो फार्मेसी पढ़ रहे हो कर रहे हो वो टोटल और टोटल पेशेंट को ध्यान में रखकर की जा रही है अब ठीक है अब बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन फार्मासिस्ट डॉक्टर एंड नर्सिस अबाउट पेशेंट मेडिकेशन पेशेंट मेडिकेशन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन स्पेशलिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है कैंसर का हो गया ठीक है गायनो हो गया ऐसे में एक फार्मिस्ट डॉक्टर नर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है वेयर द हाई रिस्क मेडिकेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज जहां पर हाई रिस्क मेडिकेशन दी जा रही है ठीक है ट्रीटमेंट के लिए रिस्क बहुत ज्यादा है बट देनी पड़ती है वहां पे इन तीनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है इट इज क्रूसियल निर्णायक है फॉर मेंबर ऑफ वेरियस प्रोफेशन टू मेंटेन पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप एज द फार्मासिस्ट डिस्पेंस मेडिकेशन एंड नर्स गिव द डॉक्टर प्रिस्क्राइब ये बड़ा निर्णायक है कि दूसरे प्रोफेशन के साथ एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरमेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करना पॉजिटिव मतलब आपके बीच में तालमेल अच्छे होने चाहिए क्यों क्योंकि फार्मासिस्ट डिस्पेंस करता है मेडिकेशन को और नर्स क्या करती है देती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को तो इनके बीच में तालमेल होना बड़ा जरूरी होता है दीज कनेक्शन आर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल अब ये जब बना रहता है इनके बीच में तालमेल तो फंक्शन का एक इफेक्टिव हॉस्पिटल एक बड़ा ही इफेक्टिव रूप में उभर के बाहर आता है पेशेंट्स वहां से खुश होकर लौटते हैं पेशेंट की देखरेख बहुत अच्छी हो जाती है प्रमोशन ऑफ रैशनल ड्रग थेरेपी अब जब दोनों का तालमेल है तो दोनों अपना दिमाग लगाते हैं ठीक है ठीके? और क्या एक रैशनल ड्रग थेरेपी हो सकती उसको है उसको लागू करते हैं सेफ एंड इफेक्टिव डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन है ना डॉक्टर ने तो प्रिस्क्राइब कर दिया डॉक्टर रोल वहां पे खत्म हो जाता है ठीक है उसके बाद नर्स और फार्मासिस्ट कौन सा डिस्पेंस ड्रग को कैसे डिस्पेंस किया जाए कैसे मेडिकेशन को एडमिनिस्टर किया जाए बॉडी में डाला जाए ठीक है एंड अदर पेशेंट सर्विस दैट इंक्लूड ड्रग यूज जिसके अंदर ड्रग का यूज होता है तो कहीं ना कहीं अभी ये बातें तुम लोग जो लेक्चर देख रहे हो मैं पहले ही बता चुका हूं छोटे लेवल पे ये सब चीज देखने को नहीं मिलती है छोटे लेवल पे क्या जाओगे किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जैसा कह दिया सब वैसा ही काम हो रहा है ये बहुत बड़े लेवल की बात हो रही है ठीक है मैंने पहले भी कहा था जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ठीक है जहां पे क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं ठीक है जहां पे नई दवाइयों की जांचें होती हैं तो वहां की बात चल रही है एक तरह से जहां प्रॉपर अगर फार्मासिस्ट के रोल की बात चल रही है यहां पर वाई एल सिकिंग परमिशन फॉर प्रपोजल और टू गिव रिकमेंडेशन चीफ फार्मासिस्ट फार्मासवराइटी ऑफ मैथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द मेडिकल स्टाफ अगर उसे कोई परमिशन देनी है या कोई प्रपोजल देना है कोई रिकमेंडेशन देनी है तो चीफ फार्मासिस्ट क्या करता है उसके पास कई तरीके हैं कि पूरे स्टाफ से वो बात कैसे करे अब वो सबको जाकर तो बोलेगा नहीं भाई तुम ऐसा, तुम ऐसा तुम ऐसा ये काम करना वो काम करना है तो अब जो तीन तरीके होते हैं कैसे कम्युनिकेट करेगा इनिशियली द इशू शुड बी कोई भी जो इशू है इशू है कोई बात है शुड बी डिस्कस विद द फार्मेसी एंड थेरोपेटिक कमेटी सबसे पहले उस चीज को उस इशू को उस बात को कमेटी के साथ डिस्कस किया जाता है एंड देन एडवाइस शुड बी गिवन टू द मेडिकल स्टाफ उसके बाद मेडिकल स्टाफ को उस चीज के लिए एडवाइस दी जाती है दूसरा तरीका क्या है रिक्वेस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटर टू इन्फॉर्म द मेडिकल स्टाफ अबाउट द इशू वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा चीफ फार्मासिस्ट का करेगा जाके सीधा बोलेगा जो मैनेजर होगा भाई देखो ये सब प्रॉब्लम है जाके सारे स्टाफ को ये बात बता दो कि ऐसा ऐसा करना है वो बात हो जाएगी तीसरा तरीका इनफॉर्मल डिस्कशन विद द मेडिकल स्टाफ अबाउट द इशू वो डायरेक्ट जाकर के इनफॉर्मली वो से फॉर्मल तरीके ठीक है सीधा गया इकट्ठा किया और जाके उनसे बातचीत करी ये तरीके हैं आपस में कम्युनिकेट करने का है ना इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात चल रही है तो ये सारे तरीके हैं किस तरीके से एक फार्मासिस्ट अपनी बातों को सबके पास तक पहुंचाता है या उनसे कम्युनिकेट करता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अगर हम बात करें प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की तो वो तो हो गई हॉस्पिटल के अंदर की बातें बट एक फार्मासिस्ट है जो है हॉस्पिटल का वो अपने प्रोफेशन को प्रमोट कर सकता है ठीक है ना एक्सपेंड कर सकता है अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को और ज्यादा उसका दायरा को बढ़ा सकता है कैसे बढ़ाएगा क्या क्या प्रोग्राम कर चला सकता है वो बाय मेंटेनिंग प्रोफेशन अच्छा प्रोग्राम का मतलब ये नहीं कोई चीज हो रही है यहां पर प्रोग्राम का मतलब है क्या तरीके अपना सकता है बाय मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशन विद द मेडिकल रिसर्च स्टाफ वो मेडिकल के जो रिसर्च स्टाफ है उनसे क्या करेगा प्रोफेशनली तालुका रखेगा फिजिशियन एंड क्लिनिकल एंड नर्सिंग स्टाफ और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड विद द हॉस्पिटल और द इम्प्लॉंग इंस्टीट्यूशन तो इन सबसे तालुकात रख करके वो अपने प्रोफेशन को क्या कर सकता है प्रमोट कर सकता है यानी कि कहीं ना कहीं चारों तरफ से उसके पास क्या आ रही है इंफॉर्मेशन आ रही है बाय मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशन विद द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड सप्लायर्स जो दवाइयों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो सप्लायर हैं उनके साथ में ताल्लुकात रखेगा बाय मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशन विद द जनरल पब्लिक एंड पेशेंट जनरल पब्लिक पेशेंट जो आती है उनसे एक पोलाइटली बात करेगा उनसे अपना क्या रखेगा एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखेगा जिससे कि सारी बातें आपस में कॉन्वे हो सकें बाय मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशन विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री वाले होते हैं ठीक है उनके साथ क्या रखे है? उनके जो वो आते रहते हैं कैंडिडेट आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती रहती है तो फार्मास्यूट वहाँ पर जा करके हेल्प करते हैं बाई पार्टिसिपेटिंग इन टीचिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ द हॉस्पिटल हॉस्पिटल के अंदर जो टीचिंग और इन्फॉर्मेशन को देने की जो ट्रेनिंग चलती रहती है वहां पर क्या करेगा पार्टिसिपेट करेगा बाय ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन सर्विस फॉर द पब्लिक पब्लिक के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सर्विस है ना जैसे हमारा हॉस्पिटल है एक स्टॉल लग जाएगा वहां पर सर्विस देने के लिए वहाँ पे जैसे स्टॉल रहेगा लोग आ रहे जा रहे हैं वो आएंगे वहाँ पे इस्टॉल पे लिखा रहता है कि अच्छा ये सब चीज़ें हैं जिसको कुछ पूछना है इसके बारे में आकर के हमसे पूछ ले तो जो पड़ा हुआ इंसान होता है देखता है अच्छा ये है बातें मान लो किसी और चीज़ के बारे में बात करनी है डायबिटीज या कुछ भी चीज़ है उनसे बात होती है ठीक है और इस तरीके से वो पब्लिक से टच में आते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएट्स जो प्रोफेशनल एसोसिएट्स होते हैं उनके साथ क्या करेगा उनके साथ अपने रिलेशनशिप को क्या करेगा पार्टिसिपेट करवाएगा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क है उसमें क्या करेगा भाग लेगा पार्टिसिपेट करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या होता है जो उसका मैनेजमेंट का काम होता है जो बाय प्रोवाइडिंग सर्विस थ्रू द वेरियस हॉस्पिटल कमिटीज ठीक है ना बाय प्रोवाइडिंग सर्विस सर्विस को प्रोवाइड करवाएगा वेरियस हॉस्पिटल कमिटीज के थ्रू ठीक है ना इनके थ्रू क्या करेगा तो ये कई सारे तरीके मतलब कि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं वो अपने इंटर प्रोफेशनल तरीकों रिलेशनशिप से कहां कहां तक अपनी पहुंच को अपने दायरे को वो बढ़ा सकता है और उसके क्या क्या बेनिफिट रहेंगे मतलब कहीं ना कहीं उसका ही प्रोफेशन है उसका क्या और है? हो रहा है प्रमोशन हो रहा है यानी कि हम कह सकते हैं ये वो वो सारी जगह है जहां पर एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का यूज होता है और काम होता है ठीक है ना तो इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप में यही थी बातें कुछ ज्यादा नहीं थी यहां पर तो ये था हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, और अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं अपने माइंड नर्चर माइंड नर्चर ऐप के बारे में ठीक है ना आओ देखते हैं माइंड नर्चर ऐप से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में तो यस हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है ठीक है लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और चाहो तो डायरेक्ट कहा प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अब देखो यूट्यूब पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट है ना जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा कोई चेंज नहीं आएगा जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे उतने लेक्चर और नोट्स आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा बट क्या चीज आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी वो चीज है वन मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो वन मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ठीक है ना वन मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक ठीक है ना ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है ठीक है ना उसमें एमसीक्यू और फिलिंदा ब्लैंक आ रहे हैं दोनों मिलाकर के दस नंबर के ये आते हैं दस नंबर के ये आते हैं ठीक है प्लस टू मार्क्स क्वेश्चन यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं टू मार्क्स थ्री मार्क्स फाइव मार्क्स की अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे ठीक है और हाँ जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी ठीक है तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ठीक है और जिस बच्चे पास होना है, वो मेरा क्या करेगा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा लाइव क्लास होगी अब मान लो मैं ये पर लेक्चर को पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है ठीक है तो वो कैसे कवर होगा वो तो उसके लिए क्या होगा लाइव क्लास होंगी डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है बच्चे डाउट पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है सबसे बच्चा बच्चों बड़ी चीज जो यहां होने वाली है

ऐसे में चल रहा हूं क्वेश्चन लिखा होगा चार ऑप्शन लिखे होगा मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है ये चार ऑप्शन है इसका आंसर ये है मजा नहीं आएगा ऐसे ठीक है ना मजा कैसे आएगा क्वेश्चन सामने होगा तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे पढ़ करके सोच करके वो मजा आएगा उससे प्रैक्टिस होती है असली ठीक है ना तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है फिलिंदा के बारे में बात कर ही चुका हूं रूटीन टेस्ट फॉर डी फॉर्म एंड एग्जिट एग्जाम ओनली फोर्टी परसेंट मार्क्स चाहिए सबको पता है सौ में से सबको कितना चाहिए चालीस नंबर में पास हो जाओगे

टेस्ट टेस्ट हो रहे हैं ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई कहीं नहीं गया और अगर मन से भी दे रहा है 20 -30 करके भी, तो चालीस परसेंट नंबर लाना फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी ठीक है ना जो सब्जेक्ट में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे याले क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे बात समझ में आ रही है और फीस बिल्कुल मिनिमल है ग्यारह सौ रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट ग्यारह सौ रुपए सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से ग्यारह सौ रुपए यानी कि एक साल की फीस आपकी ग्यारह सौ रुपए पड़ रही है इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है महीने का तुम्हारा बानवे रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के इससे सस्ता चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के ठीक है या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के यूट्यूब के सभी लेक्चर मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है ठीक है जिन बच्चों को नहीं पता डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें डाउट क्लियर कर रहे हैं इस चीज को लेकर सर कैसे क्या है ठीक है मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा क्लियर yes, है ना तो रिवीजन जरूर 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 करना मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी ठीक है ना तो क्या करते रहो रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो ऑल द बेस्ट